तो तुम्हें मालूम है अबे वो बारात जब आवे गांव की सीमा पे, भारत की संस्कृति की बारात का आना जाना खत्म हो गया। पता है कौन सी बारात आज जीती थी? परीक्षा जी तुमन तो करी है बारात। शाम को दिन छिपे थे पहले सूज चमकते, तब बारात गांव की सीमा पे आ जाती और गांव की सीमा पर दिन में ही बारात धीरे धीरे चढ़ती और पता वो डेग भर के जो ठंडाई बनती, मम जितनी मेवा मिष्ठान होती सब डाली जाती और दूध लड्डू और दूध कचौरी दे जाते रास्ता में। जितना वजन होता था मेवा में, जितना ला सकता था वो उतना पिसवा दे तो वह ठंडाई में, तो ठंडाई पी के बारात का मस्तक ठंडा रहता था। अब पतो है तुम्हें, आठ तो तब बजते बा बारात में कि सब बारात अपो बिछौना करके खटियन पर सो जाती है। अरे आज की बारात को तो कहनो ही का है, रात के 12 बजे पहुंचे, 2 बजे दरवाजा भवे और 3 बजे पांत खाई और 4 बजे पे घरे। जैन सलबरी गांव कैसो हैं, ये कोई बारात नहीं है। और पाऊ में करीब करीब 95% शराब पी के जाते हैं, 95% कोई 5% वाले रह जावे और जो बच जाते का उन्हें फिर किस्म खबा के पियाई जाते का, तो मेरे बालकनी किस्म एक गुट पी रहे हैं। बताओ कितने गज की छाती है भैया। नेक में हाथ जोड़ के निवेदन कर तू, आज कितनों कम से कम ले लो तो 100 रुपया को पौआ तो शराब को, और 100 रुपया की तो बढ़िया सब्जी खरीद लियो जो तुम्हारे अंश से पैदा है, छोटे छोटे बालक दोनों टाइम खा जाएंगे। सो बालकन को तो सिलोटा के सवाद हो तुमने घरे, और 10 रुपये शराब पियाए गलत है, ये बच्चों की गर्दन पर कुठार चलाना है। शराब का बिल्कुल त्याग कर दो। और एक बात बताऊं, पूर्व जन्म के हजारों पाप इकट्ठे होते हैं तब एक घर में शराब ही पैदा होता है। तुम 10 कमाए बेबाए मौजूद बने रहो और खूब कमाओ 10,000 रोज और एक शराब ही पैदा है, जब किलो ही दे रहते हैं सबन के दाम, एक किलो ही काफी है, लाइन में लगा दिया किलो ही। और तुम्हें मालूम है ठंडी पैदा ना कर तो 500 पी के आओ तो कमारे का दिन दिखा गया, तो चोरे तुम कम जान तू क्या, तुम कम पैदा कर तू, तुम बाहर नौकरी कर रहे हो, मेरा सवाई घेर है खेत है सवाई घर आ रहा देखे तो रहूंगा ध्यान रखना। तो इसलिए शराब पीना छोड़ दो, गुटका खाना छोड़ दे नए नए उम्र के बच्चे, उस पुरिया पर स्पष्ट लिखा है इसके खाने से कैंसर होता है। आज बारात जब चढ़ी है बालक देखें, सबसे पहले बालक ही आते हैं, सो जो बालक की भैया बारात आ गई चलो देखे हमें, सो अगला भाई नंबर पे तो देवता है, गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु हैं, हंस की पीठ पर ब्रह्मा हैं, एरावत पे इंद्र है, बड़े बड़े सुंदर वाहन है, मऊए कमी कर गए। बारात गांव में घुसी तो भोलेनाथ नंदीश्वर पे बैठे तो उल्टे बैठे, पूछ मां कर लो मुंह। देवतन ने कही कछु कसर मन छोड़ियो आज किरकिरी करवे में, हैं? अरे जैसे तैसे हते बुरे भले बिना नहाए धोए आए तो कम से कम जब सूदे ही बैठ जाते, पर पता है भोलेनाथ सीधे क्यों नहीं बैठे, क्या त्रिपुरारी भगवान का जहां नंदीसु चल रहा था सबसे आगे, उसके जस्ट बिल्कुल ठीक पीछे विष्णु भगवान चल रहे थे गरुड़ पे। तो भोलेनाथ ने कहा कि चाहे ब्याह मारो ही भले जावे पर मैं संसार के 14 भवन के ठाकुर को पीठ दे करके नहीं बैठे, पीठ दे करके नहीं बैठे, भगवान की तरफ मुंह कर लिया। और बारात जब बालकन ने देखी तो अगेला भाई बारात निबटी और जो अब पीछे भाई चढ़ी, बालक पछार खा गए मैया सबको हम खा लो पीछे की बार बंद कर लो, भूत खई से जिंद चढ़े। और जागन बारात चढ़ रही है तो आज भी तुमने देखा होगा कि माताएं बहनें बारात के लिए कुछ गाती हैं, जो बे निकल की खड़ी भाई। तो सबसे पहले एक बड़ी बूढ़ी माता सनके से बाहर रह गई सफेद, उनकी ओ लली बेटा मैं मरी के जन जिंदी रही तो खराब होएगा लंदा, फिर राजा ही छोरी को ब्याह हो, हे मज्जा ब्याह पाई मांग रही बेटा ना ते मर, अरे मरवा तो है ही। सो लठिया लेके बीच खरंजा बठाड़ी भाई और बुढ़िया ने लहंगा घुमा हुआ चौक में, लहंगा देखो है
हम ही ना देखो और तो कि नहीं बता मैं पर सुन लही है बड़े बूढ़े ते का 22 गजम बनतो देखो है परीक्षक जी के जोड़ीदार बैठे उनने देखो है 22 गजम में एक विचार करना पैरो है नहीं कि मैं ताई नहीं और वो 22 गज को लहंगा पैर के वे बुढ़िया पूरे पूरे दिन काम कर जाती और आज देखो है बात क्या कहती है सेठ जी का सेठ जी निक नेट की धोती लिखा दी हो नेट की धोती देखी है संस्कृति का बिल्कुल अभद्र व्यवहार है बीच में तुम्हारे नेट की धोती है बांध दो और पल्ली पद्दा किताब खोल के धद्दे हो जालन तो पढ़ता रहो इतनी तो मोटी आते है वो तो आज जब वो बुढ़िया खड़ी भई है और देवताओं की तरफ हाथ करके बोली है ध्यान से सुने सभी माताएं बहने बेटियां गाना ऐसा गाना चाहिए ताकि सुनवैया तुम्हारी तारीफ करे हैं और सही बात तो जी कछु गीत तो तुम ऐसे गा जाती हो ताको न मूड न पाऊं क्या गाना गाया बुढ़िया ने पता है हम गाय सुना बत हैं अरे बराती जा को हरे हरे बराती जा को यार थुपरो अरे थुपरो हम चक्कर पर बुढ़िया फिर बोल दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए आगे पीछे कर दो हुनको और उसको भाला बनानी जाए के कुंड जाके पेट में कूदो ए पेट में कूदो अम्मा गाय सुनावत है बराती जब पे ध्यान करो ए ध्यान करो कितना बढ़िया गीत गाया शरीर की रचना को सुना दिया बुढ़िया ने मन और माया दोनों भीतर नाभि का स्थान मंडप है ज्ञान और वैराग दोनों ब्राह्मण हैं ये भी दोनों अंदर निवास करते हैं हजारों सूर्यों के बराबर ज्योति जलती है उसे हवन कुंड कहते हैं देवता तारीफ करके धन्य मैया क्या गाना गाया है और देखो तुमने आज बरात जब चढ़े तो भैया एक गीत तो ऐसा भगवान जाने जन किन्ने तो लिखो है और कौए चले जा तुम कितनी दूर पर बरात जब चढ़ाई लड़का घोड़ी पे आवा तो जे जरूर गवे हो मालूम है कौन सा अरे भूरे बुलाए कारे आए री बिल्ली पर कूई कूई कू अरे भूरे बुलाए कारे आए री बिल्ली पर कूई कूई कू भूरे बुलाए कारे आए री बिल्ली जी बिल्ली को लड़का माउते का लड़की माउते क्या बिचौली आए अच्छा बिचाऊ छोड़ो तो बिचू कुई कुई का आए तो गवे रो है बरात जब चढ़ी ध्यान रखना लड़की के घर में सबसे ज्यादा परना को देखने की इच्छा किनकी होती है लड़की की माँ को मेहतारी को कि मेरी लली के तां लला आए सब कैसे पर सुनो जी तबाही की बात आई क्या लड़का लड़की की माँ को देखे तब ही मिल दो जब वो घर पे आतो बहुत घर के तब अब कहा एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है जो जो पे बालकन को ब्याह में रुपया मांग रहे हो 10 लाख 20 लाख और 30 लाख में सब सावधानी सुन लियो लड़का देखे आए लड़का बानू ने की हम छोरी देखे आगे बे लड़की देखे आए जालंग फिर भेंट बट गई
लड़का को नंबर पहुंच गो लड़की पे और लड़की को नंबर आ गो लड़का पे, बाप की ऐसी की तैसी। निरे ब्याह ऐसे है इतने में दस दस लाख हत्ते है भाई, 10,000 रुपया मिले। हाँ लेकिन वो संस्कृति अलग थी, क्या लड़का देख भाई तब मिलतो, तब सामने मोहर धर के आता था। सो जो मैना की नजर पड़ी सो भोलेनाथ आंता रहे बेल की पीठ में, तब बोलिए मैना छत पे था क्या। अरे कबरना बूढ़ा है नारद के सो घर ढूंढो पार्वती की महतारी रो रोए गई। तब पार्वती ने कही मैया गाड़ी मंदियो जो कही गई सो कही गई। मैया पार नाई कछु न की गति को पहले रूप हो मात सती को, और अब के बने को पार्वती को मैया बार बार नहीं दिया हो तो जे अजन्माई न जन्म होए न मरण होए। ललली अजन्मा बता रही है बार बार को संग बता रही है, पर जैसे हते बुरे भले तैसे नाय धोए तो आवते नहीं। सब गांव हसरा देख देख के अब विचार करना परीक्षा जी। सब तो देवता कई कई के मर गए के नेक रूप बदल ले, और सबरे भूत खैसन की बरात आई वो कई कई के हार गई कहने का रूप बदल ले। नंदी सुनने कई बरना बन के जा रहे हो निक सुगड़ा ही बन जाओ काऊ की मानी नहीं मानी। अब्बा घरवाई तो भाई भामरी ना पड़ी और छत वेद ने कान में कू कर दैया सही बदल गए। तो जाद हिसाब लगा लो कि जब ऐसे देवतन के देवता महादेव और बेउ घरवाई के कब्जा में आ गए तो हमारी तुम्हारी तो चंत का ऊपर थे ने कही गई है कि महाराज मेरी मैया बहुत दुखी है, तुमने कहा रूपे ना बदल सके। जो कान में बाज आई शंकर राम रूप अनुरागे और नैन पंच दस अति प्रिय 515 नेत्र बहुत सुंदर बरना बने, तब गांव में खुशी मनाई है भैया बरना बहुत मलूक है अब बरात लेगी जन्माशो। अब विचार करना यहां से कर राजा को हो गया घमंड हिमांचल को कि जे शिवजी बरात लाए बड़ी तो मैं बिगाड़ेंगे ही का, मैं राजा हूं और जे महात्मा है बरात बड़ी आई है तो क्या करिए कामों पर भोजन ना है। घमंड पैदा हो गया शुद्ध नौकर बुलाए चलो शिवजी कह दो बरात भेजे भोजन को। सो जो भी दो नौकर आए महाराज चलो दावत को चलो सबजने भोलेनाथ की हमारी बरात दो बेर में खा भाई। चलो महाराज जी बढ़िया बात है बड़ी बरात है तो दो बेर में कर दो कसो ना, तो पहली बार में दो लड़का जाएंगे घूरे पर बैठेगा पीछे
श्रीमान नेम सिंह जी केशोपुर से ये 111 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए भेजा है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधु, जो शुक्र और शनिचर मा उमरिया करी सो शुक्र ने की चल भैया नंबर पहली आयो, जो उठ के चले हाथी के से झोटा खा जा रहे गए में। सो पीछे भाई नौ करने की अलग ही रहने का पीछे ही चले सब ली जामो में है कि दिख रहा ना है। तो पास पे ले गए जहां में भोजन रखो जाते है तद पास ही तो कहता है। सो बाकी गेट पे एक बैठा दो जालंग और एक बैठा दो जालंग ला भैया। और भोलेनाथ ध्यान लगा रहे हैं, चिंता मत करा राजन, सबसे पहले तेरे घमंड का चूर करूंगा मैं। अब तो घमंड बैठ गया कि मैं राजा हूं। सो जो वे भीतर वाए पत्थर लाए और पत्थर धर गए दो उनते और तब भी निका करो सुख सनीचर ने। अरे नहीं दो हुनु देर करिए कहने की। अरे पातर कहां है, आवाज एक ना दी। ए भैया को उड़ी गई होई दद्दा जी। सुबह चार भोलुआ धर गए और भीतर गए खावे का सामान लेवे। तब तक अब तो हुन चुलमा करी दारे चार सकोरा कचौड़ी लड्डू बालू साई एक निकी है। अरे पातर बोलुआ कहा है, बिंदना आवाज दे लंबी जमाई और लई। अरे यही पंडित धरती पे दूर सब भरी भराई डलिया मई धरती पे पंडित दे। दूसरी बार भीतर से भर के नाला पाए तो तक साफ फिर पंडित गए और फिर भर के नाला पाए तो तक फिर साफ। बेदो भीतर चलो यजपति महाराज जी बेद भर भर के लात रहे और बेद खात रहे कितनों खाए गए। ऐसे लला भाई जंजाली और सबरो पारस कर दो भाली। तो सुकुन ने कही अरे ए भैया लाओ ना। अरे भाई तो हमारा पेटे ना है अब हम कुछ भीतर हो तो लाम और जा बात है। नई नई उम्र के बालकों न जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ रही होगा सामान पास समय निबट जाए तो पसवैया बांधना हो तो फिर वही रहेगी। ओ भैया लाओ ना अब हम कुछ हो तो लाम। सो सुकुन खड़ा बहुत चौखटते अरे ना बाबा और भोलेनाथ ध्यान लगा रहे कि चल राजा कर घमंड। सो सुकुन ने चौखट पर खड़े है के और का करो खींच की भुजा शुक्र ने मारी और भमन की चौखटिया थल उखारी। जो मान झटका दो खींच हाथ मारो चौखट उसली और मान दो हाथों ने चौखट पकड़ के जो दांतों ने चबी। एक भीतर बहन की देखी भैया का भीत डाल देगा। ओ भैया भीत ना डाल दे वो चौखटे ले गो और भाई खा रो है। सनीचन कही कि चिबता रहे जब घर में ना है तो ना ही तो कद्या तो लौटू जाएंगे
अब बिट्टर के मां कांप रहे हैं। सनीचर ने कहा करो पेच की भुजा सनिया ने मारी जान भीत की तलकारी कोनी दई दीवार उसली और जो बानी ईट उठा उठा खाई बानी की देखी भैया छत गिर पड़ी का ओ दद्दू छत ना गिर पड़ी एक खाई रो चौखटे एक ने खाई ले ईट जब मौत तो और खाई जाने अरे तबली करी भवन बैठ को सुन लेकर के धर भाज महाराज राजा ने की कैसे भाज रहे हो पसीना कैसे आ रहा बरात दावत खाएगी महाराज दावती कह रहे हो दो बालक आए जन्मा से मैं और जितनो भोजन बनवाओ महाराज बामे देख कचौरी ना बची सब खाएगी सब खाए भी कह रहे हो महाराज जा बात को दुख में जा देगा जे दो बालक आए काए तिनते तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेटन के मां बैठे हैं वहीं ए भैया का कह रहे हो कछु नहीं बचाओ महाराज बच भाई कह रहे हो तुम बाबा के इतने संगल चलो लौट के जाएंगे तो कुठरियो ना भाई ईटी खा रहे पास सगी बैठी है घमंड चूर हो गया बिल्कुल घमंड जब चूर हुआ तो तिनका दांतों में दिया और तब शिव जी के सामने हाथ जोड़ा प्रभु मुझे घमंड हो गया था अपने मन में कि मैं राजा हूं और जे महात्मा है तो प्रभु मेरे घमंड का नाश हो गया पर मेरी बात बना दो कैसे बिल्कुल चौपट है देख लो महाराज भाई तो बड़ा सबई बैठी है जब राजा नतमस्तक हुए तो शिवजी ने कहा कि राजन अब बहुत जल्दी एक काम कर दो जैसे मैं बताऊं तैसे जल्दी कर दियो उन्हें नेकौ दे रह गई तो तुम जब पासवाई को ठरिया गुरो रहे हो एक को पूरे गांव में न काऊ को ठोर बचा न मकान बचा न मट्टी बचा न पौ बचा न जंगरा बचा सब खा जाएंगे तो प्रभु ने जल्दी बताओ तो देखो क्या बताया शिव जी ने सुनो भूप धरे ध्यान अरे बनिए जी शिव जी की सत्ता शिवजी की सत्ता बच्चन की मिट जाई भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता बच्चन की मिट जाए भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता बच्चन की मिट जाए भूख खवाई दे सुनो महाराज एक एक पत्ता तुलसी का दोनों की जीभ पर रख दो अगर भूख मिटाना चाहो तो सभी माताएं बहनें बेटियां गौर से सुने प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए सबके घर में होना चाहिए पर होनो कहां चाहिए चारों तरफ से नाप के बीच आंगन पर देखा है कभी शहरों में लगाए तो दो है तुलसी को पेड़ एक कनस्तर काट के रख दो वहां अब कनस्तर सरकात सरकात कहां पहुंचा दो लेटरिन के दरवाजे तक तुलसी का पेड़ बीच आंगन में और एक बात बहन जी ध्यान रखना जीवन में बिना स्नान किए कभी तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना जीवन ऐसे ना कि सवेरे जगी तो आंखें मीड़ते आई और चाय बने में धंधे तुलसी में पत्ता घोसे मीड़े ऐसे नहीं बिना स्नान के हाथ मत लगा अरे भूपनी करे हो रे तुलसी कुशी सनवाई का पत्ता कर दी तोरे पत्ता दोनों की जिभ्या पर रखा है तो शुक्र और शनिचर को टकार आ गया एकदम भीतर से राजा ने की प्रभु
जे द्वैतो पिले गए और बरात सभी दरवाजे पर भूखी बैठी है, बिल्कुल एक बात मट्टी है। बोले नाथ ने कहा राजन घबराओ मत, अरे जिस भवन में तुमने भोजन रखवाया था वो भवन ज्यों का त्यों भरा हुआ है सब, जा माया का खेल था। सब बरात भोजन कर गई, बरनाए ले गए मंडप के नीचे घरे, तो जा घर में ब्याह हो तो तम भीड़ भाड़ तो होती ही है। सो जो बरना ने मंडप के नीचे पांव धरो बा सांप ने लपेटा दो, सब नारी माताएं बहने अपे पे बालक ने बगल में देख सब भाज गई, बहना ब्याह सो उतरे हो जो बरना है सो कौन ना हो, चार अलंग जाकर फन फैलाओ सब आंगन खाली। मैं ना बोली जी का कर दो तुमने सब ब्याह की सोबई बिगड़ गई, कोई है आंगन में? भोलेनाथ ने वो सर्प गले में से उतार के मंडप